जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम गुड़िया के परिवार से यहाँ मिलने के लिए आए हैं। सभी मैं मेरे फेसबुक पेज पे लाइव हूँ। मेरे पेज पे 17-18 देशों के लोग मुझे सुन रहे हैं। भारत के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग सुन रहे हैं। हम सबको पता है कि किस तरह से हमारे बच्चों के साथ बलात्कार होता है, उनको जलाया जाता है, बॉडी डिस्पोज की जाती है, सबूत मिटाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन साथ देती है, सारा शासन इनके साथ होता है। और आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ये मांग कोई नई मांग नहीं है, ये ऑलरेडी कानून बना हुआ है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग जो मांग करके जाते हैं वो बहुत गलत मांग करके जाते हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, हम लोग मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की। ये बहुत ही गलत मांग है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन है और 2016 में इसमें और एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले SC ST एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट हुआ करता था, अब अमेंडमेंट करके एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, केवल सिर्फ इसी मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर राज्य में होगा। ये SC ST एट्रोसिटी एक्ट का एक आर्टिकल है, कानून है, लेकिन हम अभी भी इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस आर्टिकल पर उंगली नहीं रख रहे। और इसलिए हम लोगों की ये मांग है, हमको कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हमको नहीं करनी है। और हम लोगों को SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है, जो एक्सक्लूसिव कोर्ट्स हमारे लिए निर्धारित किए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे केसेस इस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स में चलाए जाए। हमको तुरंत जजमेंट नहीं चाहिए, हमको सही न्याय चाहिए। फास्ट ट्रैक में ये 6 महीने में जजमेंट दे देंगे, लेकिन न्याय नहीं देंगे। इसलिए हमको जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और ये सिर्फ हाथरस का मामला या दिल्ली कैंट का मामला नहीं है, तो ये सभी राज्यों में जहां जहां पर ये इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी राज्यों के लिए है। और मैं, जितने भी देश के लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों को एक निवेदन देना है, अपने अपने ईमेल आईडी से, अपने अपने देशों से। मैं अंबेडकर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन UK से मांग करता हूँ, श्री गुरु रविदास सभा ऑफ USA से मांग करता हूँ, कनाडा के लोगों से मांग करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मांग करता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों को निवेदन देना है। और जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जहां पर हमारे बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, ऐसे मामले फास्ट ट्रैक के बजाय एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में ये मामले चलाए जाए। हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी कानून बनाया हुआ है। और सभी भारत के अलग अलग राज्यों से भी ये मांग अपने अपने CMs को और इस देश के प्रधानमंत्री के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये निवेदन हमको देने हैं। और ये ड्राफ्ट बनाकर हमको भेजना है ईमेल द्वारा कि हमको अपने केसेस, अपने मैटर्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में चलाने हैं। मैं इसकी सारी जानकारी आप भी आसान शब्दों में लोगों को समझाए, लोगों को अवगत कराए। आज एडवोकेट्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमारे लोग SC ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में इतना जानते नहीं है। हम लोगों को FIR तक कैसी लिखी जाती है, इसका तक पता नहीं है। और कई सारे मुद्दे हमारे छूट जाते हैं, FIR हमारी कमजोर लिखी जाती है। जब मैं हाथरस के मामले में गया था, SP से, DSP से, कलेक्टर से बात किया, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कोई बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि FIR ही बहुत कच्चा लिखा गया था, बहुत कमजोर लिखा गया था। और मैंने तभी कहा था कि जो पीड़िता है, उसने जो बयान दिया है, उसके वजह से FIR में क्या लिखा हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखता। डेथ सेंटेंस जो होती है वो प्राइम होती है। और तभी मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऊपर से 33 करोड़ देवी देवता भी नीचे आ गए, तभी उन 4 लड़कों को कोई बचा नहीं सकता। ये मैंने फर्स्ट डे वहां पर स्टेटमेंट दिया था। आज वो 4 लड़के जेल में है। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारी ओर से कोई हम लोग गलती ना करें। मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लोग आज भी FIR कैसे लिखाया जाता है, हमारे लोगों को वो ज्ञान नहीं है। कई सारे बातें हम छोड़ देते हैं जो हमारी केसेस SC ST एट्रोसिटी एक्ट में नहीं दर्ज करवाई जाती। इसलिए हम लोगों को
ये ज्ञान लोगों को देना है, ये सब लोगों को बताना है कि हमारे अधिकार क्या है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट क्या है, स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट क्या है, और उसी की मांग हमको करनी है, इन कैमरा स्टेटमेंट हमको करनी है, और कई सारे मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई इनसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांगे हैं, ये सारी मांगों को लेकर आपको निवेदन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट तक को हम लोगों को लिखना है। तो आप मुझे बताइए क्या क्या हम लोगों की मांग। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो मांग यहां उठ रही है, ऑलरेडी अगर कोई रेप का मुकदमा है तो दिल्ली के या पूरे भारत के अंदर वो ऑलरेडी बिना मांग के भी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलाते हैं। लेकिन जैसे बताया गया कि 2016 के अंदर जो SC ST एक्ट था, उस एक्ट के अंदर जो कोर्ट दी हुई थी वो कोर्ट थी फास्ट ट्रैक प्लस स्पेशल, लेकिन 2016 के बाद एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रावधान दिया गया। अब ये एक्सक्लूसिव है क्या? ये एक्सक्लूसिव इसलिए है कि सिर्फ अब इसके अंदर SC और ST के ही मुकदमे आएंगे। पहले क्या हो रहा था कि जो स्पेशल कोर्ट थी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, उसमें IPC और CRPC के मुकदमे भी देखे जा रहे थे। लेकिन अब अगर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अगर देश के अंदर बनती है, जिसका रिमाइंडर मैं लखन सिंह लगातार उसका 2020 से रिमाइंडर लगा भी रहा हूं, लेकिन सरकार नहीं बना रही है। तो जैसे बताया गया कि अगर हम लोग सटीक जगह पर हथौड़ा मारेंगे तो आने वाले समय के अंदर पूरे भारत की बच्चियों के साथ जो हत्याएं, जो बलात्कार हो रहे हैं, हमें धरने ही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के अंदर अगर ये मामला चलता है तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि 2 से 4 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगा ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो जो है ना, एक दिन अगर चला रहा है तो हो सकता है 3 दिन बाद चलाए, लेकिन एक्सक्लूसिव के अंदर यह है कि पर डे हेयरिंग, हो सकता है एक दिन में 2 बार भी हेयरिंग लग जाए। जब हेयरिंग हमारी पर डे होगी या दिन में 2 बार होगी तो हम ऑटोमेटिकली न्याय के बहुत करीब होंगे। और जो दोषी क्या करते हैं, वो पीड़ित परिवार को धमकाते हैं, पीड़ित एक्सीडेंट कराते हैं, जैसे सेंगर केस में देखा गया। ऐसे अगर हमारा न्याय 2 महीने के अंदर होगा, 2 महीने के अंदर करंट मामला होता है, तो करंट मामले के अंदर सरकारों का दबाव रहता है, तो ऐसी हत्याएं रुकेंगी, जो दोषियों को दबाने का जो मामला है वो रुकेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग तमाम लोग इस मांग को पूरे भारत के अंदर अपने अपने संगठन के माध्यम से, आप जिस भी संगठन में हैं, आप जिस भी पार्टी में हैं, जिस भी NGO में हैं, अगर आप उन संगठनों के माध्यम से अपने लेटर पैड पे अपने समाज कल्याण मंत्री को, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को, राष्ट्र के जो भारत के समाज कल्याण मंत्री उनको, और देश के प्रधानमंत्री को वो कोर्ट बनाने पे मजबूर कर सकते हो, क्योंकि हमें कोई कानून नहीं बनवाना है। जैसे किसानों, जो किसान बोर्ड पे कानून बनवाने के लिए बैठा है, हम लोग कानून ऑलरेडी बन चुका है। अब हम लोग सोचते हो कि कोर्ट बनने का बहुत टाइम लग जाएगा, कोर्ट बनने में कोई बिल्डिंग, कोई मीनार खड़ी नहीं करनी, कोर्ट बनने के लिए सिर्फ एक जज को नियुक्त करना होता है और वो कोर्ट बन जाती है, और वो ऑलरेडी प्रावधान चल रहा है। तो आप समझो इस बात को कि हमारी अगर सटीक मांग होगी, हम लोग सही जगह पर चोट करेंगे तो लड़ाई हम जीत लेंगे, वरना फास्ट ट्रैक वगैरह ये सब बकवास है। दामनी कांड के अंदर भी यही हुआ, निर्भया कांड के अंदर भी 2012 में फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला और 2020 में न्याय मिला। तो हमें भैया जो न्याय है, हमें न्याय चाहिए, और सटीक न्याय चाहिए, और जल्दी न्याय चाहिए। तो हमें सबको एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की डिमांड करनी होगी, संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना होगा, या जैसे भी कमेटी जो निर्देश लेगी उस हिसाब से वो आगे चलेगा, जैसे भी होगा कमेटी डिसाइड कर लेगी। लेकिन आप तमाम लोग इस कोर्ट की डिमांड को बड़े पैमाने पर उठाएं। जी देखिए, लाखन सिंह जी ने जो मांग रखी है कि स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होने चाहिए, ये हमारे जो मैटर्स है, गवर्नमेंट लीडर्स जो होते हैं, ये सारा मैटर गवर्नमेंट लीडर्स के माध्यम से हो, दिन में स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अगर नियुक्त होता है तो ये मैटर दिन में 2 बार हियरिंग के लिए लाया जा सकता है और महीने 2 महीने में इसका न्याय मिल सकता है। तो जिस तरह से हमने कुलदीप सेंगर के केस में देखा कि पीड़ित के परिवार को मरवाया जाता है, वकील को मरवाया जाता है, तो हम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा इस तरह की मांग करने से। मैं सारे एडवोकेट से मांग करूंगा, भारत के, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, पंजाब के हो, जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडवोकेट्स हैं, इनके एसोसिएशन है, हमको न्याय व्यवस्था को ये स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट गठित करना करवाने के लिए कोर्ट व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट को
विवश करना पड़ेगा, हमको कोई नई मांग नहीं करनी है, ये ऑलरेडी प्रोविजन है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमको आंदोलन करना होगा, रास्तों पे आना होगा, वरना आज यहाँ पर एक गुड़िया जलाई जा रही है, हमको अगर पूरे देश भर में हम घूमे तब भी हम न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। केवल एक काम अगर हम करते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का, तो इस तरह की घटनाएं महीने दो महीने में बंद हो जाएंगी। इसलिए हम लोग केवल जब इस तरह की घटना होती है रास्तों पर आने के बजाय हम लोगों को ये वाले कानून के लिए मांग करनी चाहिए। तो ये काम के लिए हम सब लोग साथ हैं, जाति धर्म अपने अलग रखकर हम लोगों को एक होना है, हम सभी लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, हम कोई अलग अलग लोग नहीं है। देखो इस देश का प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल लाने वाले लड़कियों को बधाई दे रहा है, लेकिन उसी नाम के नीचे एक बच्ची जलाई जाती है, तो उसके लिए सारी संविधान वो जाहिर नहीं करता। तो इस तरह के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक होना चाहिए, जाति धर्म को अलग रखकर हम सभी लोग एक विचारधारा के लोग हैं, ये देखकर हम लोगों को एक होना चाहिए। बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार हम लोगों को सुरक्षित भी रखने हैं और उसको बढ़ाने भी हैं। जो आज एडवोकेट्स के एसोसिएशन ये सारे काम देख रहे हैं, हमको सटीक जैसे आपने बताया कि उसी के लिए मांग करनी है, वरना इस तरह के हत्याकांड देश भर में होंगे, हम कहां कहां भागेंगे, हम कितनी एनर्जी अपनी सारे प्रोटेस्ट में लगाएंगे। 100 प्रोटेस्ट करने के बजाय एक कानून जो बनाया हुआ है उसकी अगर मांग करते हैं, तो इस तरह के प्रोटेस्ट करने का हम लोगों के ऊपर बारी नहीं आएगी। इसलिए मैं खास करके यूके के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, कास्ट वॉच यूके जो बहुत बड़े पैमाने पर कास्ट एट्रोसिटीज के ऊपर काम करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो ये निवेदन देती है, मैं उनके लोगों को भी, उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि यहां पर कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है, हमारे प्रोविजन होने के बावजूद हमको वो न्याय नहीं मिल रहा, वो व्यवस्था नहीं मिल रही, तो हमारे लिए प्लीज आप लोग आवाज उठाएं, भारत के व्यवस्था को आप लोग अपील करें, निवेदन करें, अपने अपने लेटर हेड पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों को ये लिखना है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आपको लिखना है, जिनीवा के लोगों को, स्विट्जरलैंड के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, हमारा हक है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, हमारा हक है, लेकिन वो हक हमको दिया नहीं जाता और हम लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। आम लड़की पर भी अगर कोई बलात्कार होता है तो भी वो फास्ट ट्रैक में चलाया जा सकता है, वहां पर वो प्रोविजन है, और इसलिए हमारे जो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल राइट्स है, उसको डिनाई किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को यह हक दिलाने के लिए आप सभी लोग निवेदन करें, सभी लोग कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए भी नहीं, जो बना हुआ कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए करें। इतना ही मैं आह्वान आज के यहाँ पर करता हूँ, और मैं आपके इस लड़ाई में अंतिम सांस तक आप लोगों के साथ हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आज इस परिवार को संवेदना देने के लिए, सांत्वन करने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद।